विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पर शारदीय नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ नवरात्र पूजन के लिए मां के दरबार में उमड़ी है। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था और दोपहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ नीचे 5 नंबर सेक्टर तक पहुंच गई। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी पर शारदीय नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पूजन के लिए मां के मंदिर में ही सुबह से उमड़ रही है। दोपहर तक श्रद्धालुओं की भीड़ 5 नंबर गेट सेक्टर तक पहुंच जा रही है। श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर में भेजा जा रहा है और श्रद्धालु आराम से लाइनों में मां के दर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन, मंदिर न्यास और पुलिस के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को माता जी के दर्शन के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। लाइनों में भी श्रद्धालुओं को माता के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। मौसम साफ होने के वजह से और पिछले 3 दिनों से चल रही तेज बारिश से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। दुकानदारों ने भी जमकर कारोबार किया और काफी बढ़िया दिन रहा। मंदिर न्यास के अध्यक्ष SDM सुभाष गौतम ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में पहुंचने का सिलसिला जारी है और मंदिर न्यास जिला प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सभी पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों के माध्यम से मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। जेब कतरों और असामाजिक तत्वों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर है। मां नैना देवी के यहाँ जो आज जो मेले शुरू हुए हैं, इसमें सुरक्षा की दृष्टि से और इंतजाम की दृष्टि से 9 सेक्टरों में जो है मंदिर क्षेत्र को बांटा गया है। इसमें 5 सेक्टर ऑफिसर्स जो है तैनात रहेंगे और वो अलग अलग तरह के इंतजाम देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो है करीब 600 पुलिस की व्यवस्था रखी गई है और 500 कर्मचारी जो है अलग लगाए गए हैं देखने के लिए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा का कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा से ही मंदिरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर रही है और नवरात्रों में यहां श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जबकि मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम के मुताबिक मंदिर न्यास का मुख्य उद्देश्य बाहरी प्रदेशों से आए प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करना है, जिसके लिए मंदिर क्षेत्र का विकास लगातार जारी है। माँ का आशीर्वाद लेने आता हूँ और मैं समस्त जनता को इन आश्विन महीने के शुभ नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कामना करता हूँ महामाई सबकी मनोकामना पूरी करे। हमारी सरकार ने, जिला प्रशासन ने यहाँ माँ नैना देवी के परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए उचित प्रबंध कर रखे हैं और उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेरी अपील समस्त जनता से, श्रद्धालुओं से यही है कि वो शांति बनाए रखें और बड़े प्यार के साथ, बिना धक्का मुक्की किए, बिना अफवाहों पर ध्यान दिए माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें और महामाई निश्चित रूप से उनकी मनोकामना को पूरी करेगी, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। एक बार फिर मैं समस्त जनता को इन शुभ नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। से आई हूँ यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, नवरात्रों में माता रानी के दर्शन किए, मन को बहुत अच्छा लगा। यही श्रद्धा से आए हैं, यही कृपा करना माता रानी की, हमारे साथ आते रहे आप। मैं लुधियाना से आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। हर साल आते हैं यहाँ माता जी के दरबार मिलने के लिए माता जी से। कार्यक्रम में वक्त तो चला, छोटे ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।